आप भी जानते हैं कि बहुत महीनों के बाद हम लोग उसकी वजह बहुत सी है। एक तो ये बीमारी जो इतनी ज़बरदस्त फैली हुई थी और उसके साथ साथ कुछ हमारे लोग भी रियासत से बाहर थे, बहुत से वजूहात थे, मगर आज अल्लाह का शुक्र है इतनी देर के बाद हम लोग बैठ सके और फिर से एक दफ़ा इकट्ठे बैठ के हमने गौर सबसे बड़ी बड़ी बात तो ये है कि वी आर कंप्लीटली डिटरमाइंड कि जो हमने रिकलेशन किया था 4 अगस्त 2019 में उसमें कोई रद्द बदल नहीं है, वी स्टैंड बाय। दूसरा जो बहुत अहम मसला है इसका वो इस बीमारी का है, जिस बीमारी ने यहाँ पे हर शोबे को तबाही के दाहने पे पहुँचाया। कोई भी सेक्टर आप ले लीजिए, कोई सेक्टर नहीं है जो इस वक्त बर्बादी में शामिल नहीं है। वो टूरिस्ट इंडस्ट्री हो, वो छोटा सा छोटा शॉपकीपर हो, वो छोटा सा छोटा रेडी चलाने वाला हो, ट्रांसपोर्ट हो, कोई भी जो है एक बर्बादी के आलम हो, उसके ऊपर जो फिर अल्लाह की तरफ से बहुत ज़बरदस्त बारिशें पड़ी और ज़्यादा बारी हुई, किसान को नुकसान, किसान बिल्कुल जो आबाद था आज काफ़ी वो किसान जो है गिर गया। गवर्नमेंट ने किसानों की तरफ 1,000 रुपया दिया है, उससे क्या इनको एक जामा पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें वो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री से हो, वो हमारे दूसरे तबकों से ताल्लुक रखे, हैंडीक्राफ्ट जो भी है उनकी तरफ इनको आज ज़बरदस्त सोचना चाहिए कि कहीं वही हाल ना हो जाए जैसे उस मास्टर के बच्चे ने।